जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैग। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होने वाला है 3 T20 मैचों का सीरीज। तो दोस्तों बता दें कि यह सीरीज जो कि 7 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो दोस्तों इससे पहले भारतीय टीम के लिए 3 बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें भारत और इंग्लैंड के T20 मैचों के सीरीज के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि इसमें बेहद ही कांटे के टक्कर के देखने को मिलने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच, क्योंकि दोनों टीमें बेहतरीन टीम है T20 का। तो दोस्तों बात करें उन सभी बड़ी खबरों की जो कि भारतीय टीम के लिए निकल के आ रहा है T20 मैचों के सीरीज से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले खबर का बात करें तो दोस्तों वह जुड़ा हुआ है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर। जहां दोस्तों बता दें कि रोहित शर्मा पूरी तरह से कोविड से उभर चुके हैं और मैदान पर भी वापसी कर चुके हैं। जहां दोस्तों यह बेहद ही अच्छी खबर है भारतीय टीम के लिए। वहीं दोस्तों बात करें दूसरी बड़ी खबर का, तो दोस्तों यह खबर जुड़ा हुआ है संजू सैमसन और उमरान मलिक से। जहां दोस्तों खबरें निकल के आ रही है कि संजू सैमसन और उमरान मलिक पहले T20 मुकाबले का भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं। जहां दोस्तों यह दोनों खिलाड़ी का बेहद ही बड़ी मौका है अपने प्रदर्शन अच्छा कर अपने टीम में जगह पक्की करने का। वहीं दोस्तों बात करें तीसरी बड़ी खबर का, तो दोस्तों वह जुड़ा हुआ है भारतीय टीम के उप कप्तान को लेकर। जी हां दोस्तों पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम के उप कप्तान जो कि हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों यह बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है BCCI के तरफ से। तो दोस्तों यह 3 ऐसी बड़ी खबर है जो कि भारतीय टीम के लिए निकल के आ रही थी। तो दोस्तों आपको यह खबर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।